आइए देखें। Hey Migratory Bird, it's me Janice। So, आज की वीडियो कोई DIY की नहीं बल्कि रिव्यू करेंगे हम। So, मैंने Amazon से परचेज करा है ये डोम्स का स्मार्ट किट, जो कि जिसका प्राइस तो 499 रुपीस था, बट मुझे 564 रुपीस में मिला है। तो चलो इसे खोल के देख ही लेते हैं कि इस किट में आखिर ऐसा क्या है। सो ये तो आज खुलेगा नहीं मुझे लग रहा है, खुल जा भी। 2000 years later। सो फाइनली ये जादुई बैग खुला तो सही। सो सबसे पहले इसमें मुझे मिला डोम्स का ये बाई कलर पेंसिल, जिसमें 24 सेट से 12 पेंसिल्स थे। सो इसका प्राइस है 120 रुपीस। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। इसमें एक फ़ायदा है कि आप एक साथ दो कलर कर सकते हो। भाई साहब ये बहुत ही अमेजिंग है और ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो इस किट का पहला प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इसका प्राइस भी ठीक ही है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो दूसरे नंबर पे हमें मिला है ऑयल पेस्टल कलर। भाई साहब मुझे सच बताओ तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं इसका यूज़ भी नहीं जानती हूँ उतने अच्छे से, जस्ट बिकॉज मैंने मतलब पेंटिंग मैंने ये कलर्स यूज भी नहीं किए हैं। इसका प्राइस 100 रुपीज़ था और ये मुझे तो पता नहीं इसका यूज, बट मेरी सिस्टर को ज़रूर इसका यूज पता है, तो वो मुझे ज़रूर से सिखा देगी। और इसके अंदर ना जाने क्या दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मैं फिर भी इसका रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि यार जो भी इस किट में है मुझे सब तो दिखाना ही है। सो मैं सो इसके बाद हमें इसमें दिया गया है सुपर डार्क पेंसिल, जो कि 5 पीसेस है और इसका प्राइस था 35 रुपीस पर पीस, का प्राइस है 7 रुपीस। सो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। इस पर कुछ डिजाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और आई थिंक ये क्यूटनेस की वजह से ही इस किट में भरा गया है, वरना तो पेंसिल तो सभी अच्छी ही होती हैं। सो इसे पैक करके चलते हैं नेक्स्ट। सो इसके बाद इस किट में हमें मिला है पेन वाला इरेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इसमें 2 रिफिल्स भी दिए गए हैं। और मैं सच्ची बताऊँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है इसमें, और इसका MRP ओनली 25 रुपीज़ है। यार ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, अगर आप इसे परचेज कर रहे हो तो आप भी जरूर से इसे देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये इसके रिफिल्स हैं, इसे आप दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, इसमें 3 पीसेस है। वैसे मैं बताऊँ तो मैं इरेजर्स का यूज बहुत कम। नेक्स्ट हमें मिला है इसमें ये क्रायंस कलर, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है और ये इसका प्राइस तो 12 रुपीज़ है। ये आसानी से आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट ये इस किट में देने का मतलब है कि ओ माय गॉड, अब मिला इस किट का बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, ये 5 रुपये वाला स्केल, जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट छोड़िए हर एक के पास होगा ये। इसके बाद हमें मिला है एक क्यूट सा शॉपनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। गाइस मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल क्यूट है और इसमें डस्ट कलेक्टर भी दिया गया है, तो आप इजीली इसे क्लीन भी कर सकते। सो अब आया बारी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट का, जो कि प्लास्टिक क्रायन से, बट अफसोस इसमें 2 पीसेस रास्ते में ही टूट गए थे। अब न जाने डिलीवरी वाले भैया कैसे लेके आए थे, बट कोई ना, इसमें मुझे एक शॉपनर दिया था और एक फ्लेक्सिबल बिल्कुल क्रायन्स की शेप में इरेजर है। और इस क्रायन्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिल्वर और गोल्डन कलर वाले भी क्रायन्स थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी थे, वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे। और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसका प्राइस 150 रुपीज़ था ओनली। तो अब आया सबसे बेस्ट पार्ट, ये कलरिंग बुक, जिस पे मेरी नज़र पहले से थी, तो मैं रिव्यू करने से पहले ही मैंने इसमें बहुत से पेजेस कलर कर दिए थे। मुझे ना सच बताऊँ तो पेंटिंग का बहुत शौक है, मैंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई भी है, बट कुछ खास नहीं, मतलब लाइक एक बिगिनर कैसे बना सकती है। सो मैंने इसमें देखो ये पैरासूट भी कलर कर दिए और इसमें कैट वाली भी एक ड्राइंग थी जो कि मैंने पेंट कर दिया था, बाकी के भी करूँगी बस धीरे धीरे। सो मैंने सोचा इसके रिव्यू कर देती हूँ और प्राइस 100 रुपीज़ था। अब बात करती हूँ मैं मेरे फ़ायदे की। सो इसमें ये ट्रांसपेरेंट बैग, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा, बट सिंपल था, तो मैंने सोचा इसका कुछ रिक्रिएट जरूर से करूँगी। मैंने इसका DIY वीडियो बनाया भी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। तो अगर आपको ये किट अच्छा लगा हो तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाय बाय।